नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज के बारे में। 9 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है और 60,000 यूनिट होंडा अमेज बेच चुकी है। इस 9 महीने में सेगमेंट में काफी सारे उतार चढ़ाव हो चुके हैं और मुझे एक लगता है कि छोटा सा एनालिसिस कई सारी चीजों पर जरूर बनाना चाहिए। ये वीडियो मैं किसी भी तरीके से गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, कंपैरिजन, रिव्यूज, वॉक अराउंड, डायमेंशंस वगैरह पर फोकस नहीं करूंगा। इन पर हम बात नहीं करेंगे, ना ही कॉम्पिटिशन से यानी कि फोर्ड एस्पायर और मारुति सुजुकी डिजायर से इसे कंपेयर करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली फोकस होगा कुछ पहलुओं पर जिन्हें अभी तक सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं बताया है, ना ही किसी ने इन पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे दोस्तों, जो गाड़ी की अच्छाइयाँ बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, क्या क्या उसमें खूबियाँ हैं, इन पर चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो मुझे लगता है कि फैक्ट्स एंड फिगर ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स पर आपके साथ साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं जो भी प्राइस फैक्टर्स या फिगर्स कंसिडर करूँगा वो सारे के सारे एक्स शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं। और मैं किसी भी तरीके से आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये गाड़ी आपको लेनी है या नहीं लेनी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। एक नंबर के पायदान पर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल हुई मारुति सुजुकी की डिज़ायर, और आज भी वो अपने उसी पायदान पर कायम है। एक नंबर का तमगा लेके सबसे ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट कार है। मारुति का ठप्पा उसके साथ में आता है, प्लस मारुति का भरोसा और उसका सर्विस नेटवर्क, इन सभी चीज़ों के चलते वो गाड़ी एक नंबर का तमगा और पायदान बनाए रखे हैं। उसके बावजूद भी होंडा ने कम्प्लीटली न्यू सेकेंड जनरेशन अमेज को लॉन्च किया, सारी चीज़ें नई लेकर आए और ये गाड़ी बहुत अच्छा कर भी रही है। पिछले 8-9 महीने में 60,000 यूनिट्स बिक चुके हैं इस गाड़ी के, और ये दूसरे पायदान पर होंडा के सर्विस नेटवर्क और विश्वास के बलबूते पर खड़ी है। वहीं पर फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, ऑन रोड स्टेबिलिटी और कई सारी अच्छाइयों की वजह से, बेहतर इंजन, बेस्ट इन क्लास एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से ये गाड़ी भी इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। घमासान ये है कि कौन सी गाड़ी हमें कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये फैक्टर्स आप चुन सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग लोगों के लिए सब्जेक्टिव होती है। हमें ये भी देखना चाहिए कि प्राइस फैक्टर क्या मायने रखता है, कॉम्पिटिशन क्या मायने रखता है, क्योंकि ये तीनों गाड़ियाँ जो है जिन फीचर्स के साथ में, सेफ्टी के साथ में और बाकी सारी चीज़ों के साथ में आती हैं, वो एक्चुअल में इस सेगमेंट में कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस की, यानी कि होंडा के प्राइस की, कि ये कितने में आएगी और कंपटीशन के साथ में क्या डिफरेंस है प्राइस का। सबसे पहले जानते हैं अमेज पेट्रोल की प्राइस। मैनुअल में आपको आएगी 5,86,000 बेस वेरिएंट। टॉप वेरिएंट जो कि VX मैनुअल है जाएगा 7,74,000 में मिलेगा आपको। इसमें एक और वेरियंट है दोस्तों VX एक्सक्लूसिव एडिशन जो आपको मिलेगा 7,87,000 रुपीज़ में। और जो CVT ट्रांसमिशन है पेडल शिफ्ट के साथ में आता है पेट्रोल में, इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको वी ऑप्शन में मिलेगा जो कि आपको मिलेगा 8,15,000 रुपये में। जहां तक डीजल की बात है, डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में बेस वेरिएंट आपको आएगा 6,96,000 का। टॉप एंड जो कि VX मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिलेगा 8,84,000 का। VX एक्सक्लूसिव एडिशन आपको मिलेगा 8,97,000 का। और डीजल में CVT ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलेगा 9,16,000 रुपए का। कुछ पहलू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, कुछ रीजंस बताऊंगा जो आपको कंसिडर करने चाहिए, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही इसमें शामिल होंगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाड़ियों के इंजन परफॉर्मेंस की और पावर प्रैक्टिकलिटीज की। तो जहाँ तक अमेज के इंजन की बात है, अमेज आपको पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन दोनों के साथ में 1.2 लीटर का इंजन आता है जो आपको 90 PS की पावर देगा और 110 Nm का टॉर्क देगा। वहीं पर डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए ये 100 PS की पावर, 1.5 लीटर का इंजन, 200 Nm का टॉर्क देगा। और अगर CVT ट्रांसमिशन की बात करें डीजल में, तो इसे थोड़ा सा डीट्यून किया गया है, 80 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क देगा। कंपटीशन की बात करें तो एस्पायर पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर में 96 पीएस की पावर देगा एंड 120 एनएम का टॉर्क देगा। आज की डेट में ये इंजन सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूसिंग पावरफुल इंजन है।
1.5 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको 123 पीएस की पावर और 150 एनएम का टॉर्क देगा। वही डीजल में एस्पायर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 100 पीएस की पावर एंड 215 एनएम का टॉर्क देगा। तो एस्पायर हमें इसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है, थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है और इंजन भी इसका ज़्यादा बेहतर है। डिज़ायर की अगर हम बात करें तो डिज़ायर पेट्रोल प्लस ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट 1.2 लीटर आएगी 80 पीएस पावर के साथ में, 113 एनएम का टॉर्क मिलेगा। और डीजल में 1.3 लीटर वही पुराना जाना माना ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन और ईजीएस के साथ में 73 पीएस की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 190 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब मुड़ते हैं दोस्तों उन पहलुओं पर जिनको मैं बताना चाहूंगा, जिनको कंसिडर करके आपको अमेज खरीदनी चाहिए और अमेज के लिए आपको ये पहलू सोचने चाहिए कि हम इसे क्यों खरीदें। ये अच्छाइयां जान लेते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, इस गाड़ी में पुराने जनरेशन के मुकाबले नए जनरेशन में एनवीएच लेवल पर बहुत ज्यादा काम किया गया है एंड इट इज मच मच रादर वेरी मच इम्प्रूव्ड आपको दिखाई देगा। इंजन की रिफाइनमेंट इज बेटर कंपेयर टू अर्लियर। गाड़ी की फिट एंड फिनिश और क्वालिटी इज एब्सोल्युटली गुड। पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि एक्चुअल और ओरिजिनल ट्रांसमिशन सिस्टम जिसे माना जाता है या कहा जाता है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो होंडा क्लेम करती है कि इट इज क्वाइट कस्टमर फ्रेंडली एंड कस्टमर्स पॉकेट फ्रेंडली, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपको पेट्रोल अगर पीरियोडिक मेंटेनेंस करना है तो तकरीबन 4,500 रुपये का खर्चा आएगा और डीजल के लिए तकरीबन 5,500 रुपये का खर्चा आ सकता है। मेरे मायने में ये थोड़ा सा कंपटीशन के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है। अमेज में अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया है क्योंकि कॉम्प्रेसर की पावर को बढ़ा दिया गया है। तो रियर एसी इवेंट ना होने के बावजूद भी ये केबिन को बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कूल करता है। गाड़ी में आपको डिजीपैड 2 सिस्टम दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम जिसकी क्वालिटी और टच रिस्पॉन्स और ऑपरेटिंग बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली मारुति सुजुकी डिजायर। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे फोर्ड के सिंक 3 सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो फोर्ड का सिस्टम यहाँ पर बाजी मार ले जाता है। एक और चीज है दोस्तों कि होंडा की सर्विस क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही उम्दा है कंपेयर टू मारुति, वेयर इन फोर्ड इज ऑल्सो इक्विवेलेंटली प्रोवाइडिंग द गुड सर्विस। अब मुड़ते हैं उन कमियों की तरफ जिन कमियों के चलते आप ये सोच सकते हैं। अच्छा यह तो मैंने बता दी कि ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको ये गाड़ी सोचनी चाहिए एज अ ऑप्शन। अब कमियां जानते हैं जिनके चलते आप सोच सकते हैं कि आपको ये गाड़ी नहीं लेनी है, वो कमियां भी हम जानने की कोशिश। सबसे पहली कमी है दोस्तों, इतनी सारी प्राइस देने के बावजूद भी आपको गाड़ी में टॉप एंड वेरियंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग आते हैं। आपको 6 एयर बैग या 7 एयर बैग का ऑप्शन नहीं मिलता है जबकि फोर्ड आपको मिनिमम 6 एयर बैग का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा जो लू फॉल्ट है वो है गाड़ी में अभी भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं दोस्तों, ये भी एक कमी मुझे यहाँ पर ज़रूर लगती है। तीसरा है दोस्तों सर्विस सेंटर का लिमिटेशन। क्वालिटी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मारुति के मुकाबले इनके सर्विस सेंटर्स काफ़ी कम हैं। हालांकि उनकी गाड़ियों के लिए सफिशियंट है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय इसमें नहीं है दोस्तों। आगे मुड़ते हैं प्राइस फैक्टर की तरफ। अगर प्राइस का डिफरेंस देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गाड़ी के लिए, किसी भी सेगमेंट में उसे अपनी जगह बनाने के लिए, तो हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि एस्पायर में और डिजायर में प्राइस फैक्टर का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि आज की डेट में होंडा अमेज इस सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है दोस्तों, रदर मैं ये कहूँगा कि ये ही सबसे महंगी गाड़ी है इस सेगमेंट की। एस्पायर का मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन अगर आप कंसिडर करते हैं तो अमेज के मुकाबले 31,000 से लेके 42,000 सस्ता आता है, यानी कि अमेज यहाँ पर 31,000 से लेके 42,000 महंगी है मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में। वहीं पर अगर डीजल मैनुअल की बात करें एस्पायर तो वो होंडा अमेज से 40,000 रुपये से लेकर 72,000 सस्ती है। डिजायर की अगर हम बात करें मैनुअल पेट्रोल ट्रांसमिशन की तो ये 17,000 रुपये से लेके 68,000 रुपीज़ तक सस्ती आएगी अमेज के कंपैरिजन में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर हम डिजायर की बात करें पेट्रोल में तो वो 49,000 सस्ता है अमेज के मुकाबले में। अब मुड़ते हैं डिजायर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की तरफ, ये आपको 29,000 से लेके 67,000 रुपीज़ सस्ता आएगा अमेज के कंपैरिजन में। और वहीं पर डीजल में अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं डिजायर के लिए तो ये भी
होंडा अमेज के मुकाबले 49,000 रुपीज से लेके 53,000 रुपीज तक सस्ता आएगा। तो मुझे लगता है कि प्राइस फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज है, प्लस सेफ्टी में कुछ फीचर्स की कमी होना, एयरबैग्स की कमी होना, ये सारी चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई गाड़ी चूज करनी है, यानी कि होंडा की अमेज चूज करनी है, तो आपको क्यों करनी चाहिए। एक और चीज मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा दोस्तों कि होंडा अमेज आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी के साथ में आएगा। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, और चौथे और पांचवें साल की एक्सटेंडेड वारंटी आप खरीद सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन यानी कि फोर्ड यहाँ पर आपको 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी ऑफर कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे कई सारी वजह हैं जिसके चलते आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, और कुछ अच्छे रीजंस थे जो मैंने बता दिए। मुझे ऐसे लगता है अगर हमें इस वीडियो का कंक्लूजन करना होगा और अगर मुझे होंडा अमेज ही खरीदनी होगी, तो मैं पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में से, दोनों ऑप्शंस में से अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि शत प्रतिशत हमें सिर्फ और सिर्फ होंडा अमेज सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन के मुकाबले सीवीटी ट्रांसमिशन में थोड़ी सस्ती आती है। बिल्ड क्वालिटी तीनों गाड़ियों की अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, डिजाइन अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन छोटे छोटे पहलू हैं। वहीं अगर आपको डीजल कंसिडर करना है इस गाड़ी में, तो डीजल के लिए मैं चाहूंगा कि आप एवरेज अगर इकोनॉमी देखना चाहते हैं, तो वजन में हल्के होने की वजह से डिजायर यहाँ पर पुराना 1.3 लीटर का इंजन ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी की वजह से बाजी मार ले जाता है। वहीं पर होंडा का डीजल इंजन भी अच्छा है, काफी रिफाइंड और पावरफुल है, लेकिन उससे थोड़ा एक एज बेहतर फोर्ड का इंजन है। तो यहाँ पर थोड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जा रहे हो, तो सीवीटी ट्रांसमिशन होंडा के पेट्रोल या डीजल में ही आपको लेना चाहिए। एक बार कमियां आपको फिर से एक बार गिना देता हूं दोस्तों। गाड़ी में आपको अभी भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, आपको एयरबैग सिर्फ 2 मिलते हैं, 4 या 6 या 7 एयरबैग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, और प्राइस फैक्टर में काफी बड़ा गैप है कंपेयर टू कंपटीशन। तो ये चीजें मुझे लगती हैं। आपको क्या लगता है ये मुझे जरूर बताइएगा। प्राइस फैक्टर और सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होने के बावजूद भी क्या आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ होंडा अमेज ही लेनी चाहिए, या आपके जहन में कोई और रीजन है होंडा अमेज को खरीदने के लिए, तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सोचते हैं कि फोर्ड इस सेगमेंट में एस्पायर बेस्ट गाड़ी है, तो वो भी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर जो सबसे हुकुम का इक्का और इम्पोर्टेंट ट्रम्प कार्ड है जो कभी फेल नहीं हुआ है, वो मारुति सुजुकी की डिज़ायर अगर आप चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि ये ही इस सेगमेंट की सबसे बेहतर गाड़ी है और आपको यही लेनी चाहिए, तो उसके रीज़न भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत को आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ करके जरूर जाइएगा, या तो लाइक कर दीजिए या तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक कर देते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, और अपने और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।